राजस्थान के दौसा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा विधानसभा में दिए गए महिलाओं को लेकर बयान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दौसा में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल के इस्तीफे की मांग की। गौरतलब है कि मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में राजस्थान को मुर्दों का प्रदेश बताया था। हालांकि मंत्री शांति धारीवाल ने इस बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर भाजपा लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। उन्होंने कल बहुत ही शर्मनाक बात कही है। उन्होंने कहा है कि महिला अत्याचार फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन ये पुरुष प्रधान राज्य है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आप ये सब सोचिए, देशवासी राजस्थान वासी की एक शर्मनाक बात है। उन्होंने ऐसे शब्द कहा, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के और उन्हें बर्खास्त करने के प्रयत्न करेंगे, उनका काला मुंह करेंगे। प्रियंका जी जो वहाँ है, जो कहती है कि मैं नारी हूँ और नारी का सम्मान करती हूँ, लेकिन लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए इस पूरे राजस्थान में? उन्होंने कुछ नहीं किया। हम सभी भाजपा नारियाँ और भाजपा महिलाएं उनको एक कड़ा जवाब देंगे, उनका काला मुंह करेंगे, उन्हें काली पट्टी बांधेंगे, घर से उन्हें निकलने के लिए मजबूर कर देंगे और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करके ही दम लेंगे। महिला देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।